मॉर्निंग बेटा, पहचाना नहीं मैंने आपको। सर न्यू एडमिशन हूँ। ओह अच्छा, न्यू एडमिशन है। क्या नाम है बेटा आपका? सर रूपा। अच्छा रूपा, क्या नाम है बेटा। वाह वाह बेटा वाह, वैसे मैंने आज रूपा ही पहना है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे बेटा आपकी मम्मी क्या करती है? सर वो हाउसवाइफ है। तो बेटा स्कूल की फीस जमा करा दी आपने? जी सर। अब तो टाइम से सैलरी मिल जाएगी। अरे बेटा अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी शिकायत हो ना तो अपनी मम्मी को सीधा मेरे पास लेके आना, ठीक है? नाउ गो टू योर क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बेटा मैंने आपको भी नहीं पहचाना। सर न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन? तो बेटा फीस तो जमा करा दी ना आपने? जी हाँ सर, मैंने 6 महीने की इकट्ठी करवा दी। वाह भाई वाह, बड़ी होनहार लड़की हो तुम। चलो नाउ गो टू योर क्लास। रे छोरी तेरा बैग किने? सर वो मुझे लगा आज सीजन का पहला दिन है इसीलिए आज पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए मैं बैग लेकर नहीं आई हूँ। ओहो बेटा बहुत एडवांस सोच लिया तुमने तो। ये नहीं सोचा कि आज एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है? सॉरी सर। पिछले साल जो तुमने स्कूल में बवाल मचाया था ना, इस साल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? जी सर, पर अब मैं सुधरने की कोशिश कर रही हूँ। और ये तुम्हारा बैग कमर पर क्या कर रहा है? कल से कमर पर नहीं कंधों पर होना चाहिए। नाउ गो टू योर क्लास। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौन हो भाई तुम? सर जी न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन? शाबाश बेटा शाबाश। वैसे यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? यूनिफॉर्म तो यहीं से लूँगा ना सर। अच्छा तो तुम्हें मेरे स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन तो पता है ना? नहीं सर। बात सुनो बेटा, इस स्कूल में जो भी नया न्यू एडमिशन लेता है ना तो पीटी सर पर ट्यूशन जरूर लगवाता है। फिजिकल का ट्यूशन? सर फिजिकल का तो कोई ट्यूशन ही नहीं होता। ओ बेटा तुझे पास तो होना है ना? नहीं सर मुझे फिर भी नहीं लगवानी। अबे वो बात सुन, किसी और सब्जेक्ट की ट्यूशन लगवाए ना लगाए पर पीटी सर पास कोचिंग जरूर लगानी पड़ेगी, वरना इतनी सुटाई करूंगा कि बांदर जैसी लाल कर दूंगा। सर मैं तब भी नहीं लगवाऊंगा। अबे वो बात सुन, अगर तूने मेरे पास ट्यूशन ना लगवाई तो पूरा साल ऐसा मानसिक प्रताड़ित करूंगा कि घर जाता हुआ दीवारों में सिर मारेगा। सर अब तो लगवानी पड़ेगी। सही है सही है, चल अब निकल पतली गली से। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी सर वो सरकारी स्कूल से आए ना, नया दाखिल है ना मेरा। अच्छा अच्छा नया दाखिल है, लेकिन ये क्या पहने हैं? ये तो स्कूल के जूते है ही नहीं। अरे गुरुजी पापा ने एक हफ्ता इस स्कूल में चला जा अगर मन लग रहे तो जूता भी दिला देंगे नहीं। हे भगवान, एक और निकम्मा भर गया स्कूल में। चल निकल चुपचाप और फीस जमा करा दियो 6 महीने की। ठीक है सर। चल। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। तू पास तो हो गया ना?
नहीं सर, अभी वो प्रोसेसिंग में है। अबे वो अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ेगा तो जेब कतरेगी, तभी तो पास होगा ना तू। अरे सर, वो पिछली बार मैंने आपकी सैलरी पार कर ली थी ना, तो वो पैसे मैंने मटके में लगा दिए और इत्तेफाक से मैं जीत भी गया। फिर मैंने सोचा कि आपके पैसे वापस कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा कि आप पैसों का करोगे क्या, तो छोड़ो ना सर, रहने दो। हैं? वो और क्या तेरी थी? अबे तेरे चक्कर में मेरी बीवी ने मुझे इतना पीटा और आज तक ताने देती है कि मैंने मेरी सारी सैलरी एआईसी में उड़ा दी। आज तक दर्द होता है, वो तो बेटा बाहर मिलियो। सर मुझे पीटना वीटना मत, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और मैं आपको एक नंबर भी बताऊंगा मटके का, उसमें अपना पैसा लगाओगे तो 5 गुना हो जाएगा आपका पैसा। अबे तू मेरे को मटका खिलाएगा? चल बाहर मिलियो, ठीक है, सब साथ ही चलेंगे। अभी निकल अपनी क्लास में निकल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पास हो गया तू? जी सर। लगता तो नहीं तू पास हो गया, तेरी एड़िया तो कीर्तन कर रही है। अरे सर कम मत समझो, आप जैसे छो को तो मैं अकेला ही पटक दूंगा। ओए माँ। है? बेटे ऐसा मत करियो। क्यों ना करूँ सर, आपने समझा क्या है मुझे, आपका तो खटिया खाड़ कर दूंगा। सुसरे बड़े हरामी हो रहे हो तुम, कल अपने पापा को लेके आइयो, तेरी पहलवानी उनके सामने निकालूंगा। चलो अब अपनी क्लास में। बताओ सर की उम्र का लिहाज ही नहीं है, रामखोर। हाँ सर सही बात है, सही बात है, उम्र का कोई लिहाज ही नहीं है। वह सर जी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बात सुन, अगर इस साल तूने मैडम की कानाफूसी करी ना कि सर आपके बारे में ये बोलते हैं वो बोलते हैं और मेरी सेटिंग ना होने दी, डंडा दिख रहा है ये। सर मैंने ना कभी कुछ किया और ना कभी मैडम को आपके खिलाफ भड़काया, वो तो आपकी किस्मत ही लुंट है। अबे यो ये ना मुझे तेरा सारा पता है, तू क्या कहता है क्या नहीं, तू ही नाश की जड़ है, सेटिंग नहीं होने देता मेरी। अरे सर आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, वैसे ही मम्मी ने मुझे गाली देकर स्कूल भेजा है, और ना थोड़ा कूल डाउन रहा करो आप, कहीं बीपी हाई हो गया ना तो पा मका अल्लाह मियां को प्यारे हो जाओगे। अरे भाई तू जा रे, तेरा तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, क्लास में चल अपनी। हाँ जा रहा हूँ ना सर, मुझे कौन सा यहाँ पे रुकने का शौक है, रहो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अबे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या, 5 बार फेल हो चुका है। 12वीं में 5 बार कौन फेल होता है यार, अपने स्कूल में साथ पढ़ते थे, मुझे शर्म आने लग गई तुझे पढ़ाते पढ़ाते। ले चुल्लू पर पानी ले और डूब मर इसमें। अरे यार लोकेश भाई तुम भी क्या बकचोदी के फार्म भर रहे हैं, दिमाग तो पहले से ही खराब है और तू दिमाग की दही कर रहा है। अबे ओ सुन यार, तेरा घर पे 8 से 2 सर हूँ तेरा, आई समझ में? हाँ हाँ ठीक है। और वैसे तेरी बीवी तेरे को स्कूल ढूंढती हुई आ रही है, क्यों किसी ने बता दिया होगा तेरे अफेयर के बारे में उसको? हे भगवान उठा ले मुझे, ना सेटिंग ठीक से हो पा रही है ना जो तूने बला पीछे छोड़ी जिन्हें दे रही है। राम 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 राम। भाई एक बार बता तू इतना उदास सा क्यों है, डिप्रेशन विप्रेशन तो नहीं है? अपने आप को देख जरा कितना पतला सा हो गया है। भाई उदास ना रहूँ तो क्या करूँ, एक तो इतने टाइम के बाद ये स्कूल खुला, ऊपर से इन लोगों की खिटपिट खिटपिट, बस वही पुरानी बकचोदी भांग भोचड़ा, ना ही कोई एक्साइटमेंट है ना ही कोई गेम पीरियड, मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार स्कूल आकर के। सही कह रहा है यार, बोर तो मैं भी हो गया हूँ स्कूल आके, कुछ करने को है ही नहीं। हाँ भाई चमन चूतियो, क्या पंचायती चल रही है? देखो ना स्कूल का लास्ट डेज आ गया है और बोरिंग सा हो रहा है स्कूल, कुछ करने का है ही नहीं। हाँ यार बोर तो सच में हो गए, ऊपर से कोई पीरियड भी खाली नहीं जाता। सही में मैंने सोचा था यहाँ स्कूल आऊँगी मजे करूँगी, पर यहाँ भी बोर हो रही हूँ। घंटा मजे करेंगे कुछ नहीं होगा ये स्कूल में, ये ये ये, ये, ये देख सुन ले इनकी किटपिट किटपिट। हाँ यार सच में बोर हो गए हैं, एक तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऊपर से टीचर भी पहले आके टपक जाती है। हाँ यार घर पे मम्मी नहीं छोड़ती थी और यहाँ पे हमें टीचर नहीं छोड़ रहे हैं, सच में बहुत बोर हो गए हैं यार। कुछ है ही नहीं एक्साइटमेंट करने के लिए, पता नहीं हम क्या कर सकते हैं।
हम कुछ कर सकते हैं क्या? हैं? हाँ? क्या हैं? देखो भाई, तुम लोगों को जैसा लगे करो, बात ऐसी है, मेरे को तो अब टट्टी आ रही है। अबे हट चूतिया, जब देखो हकता ही रहता है। घर में काम करो, स्कूल में पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ एडवेंचरस बचा ही नहीं है, खराब सी लाइफ हो रखी है। सच कह रही है यार, अब कर भी क्या सकते हैं यार, कुछ फन करने के लिए तो है नहीं, और जिंदगी और वैसी लुंट हो रखी है। अरे यार, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तू ही बता। देख भाई, मेरे पास एक ना राप्चिक प्लान है, जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वही जो स्कूल में चल रहा है, खिटपिट, समझ रहा है ना? अबे मन बुद्धि भोसड़ी के, तू चुप कर। अबे तुम दोनों अपनी बकचोदियां बंद करोगे? साले नल्ले कहीं के जब देखो लगे रहते हैं। मैडम जी, क्या बनाया आज खाने में? बबलू जी, आपकी फेवरेट भिंडी। अरे वाह, पर मैडम जी, आज आपकी क्लास के बच्चे मुझे मिले थे, कुछ निराश नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि ना कुछ स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ऐसा करते हैं, बच्चों के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज कराते हैं। अरे वाह मैडम जी, आप तो ब्यूटी प्लस ब्रेन है, बच्चों की पिकनिक के बहाने अपनी डेट भी हो जाएगी। सोच ले। यार दोस्तों, मेरे पास बहुत आइडिया है यार, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। हट, तुम लोग बड़े मन बुद्धि हो, तुम लोग को कैसे समझाऊं? अरे आपको समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं मैं तुम्हें यार। अबे थोड़ा चूतिया है क्या ये? अबे पैदाइशी है। बच्चों कल हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं मैम? मैम पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कहाँ जा रहे हैं। बच्चों कल मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तो मैंने इंजाम मैम से डिस्कस किया, तो फाइनली हम जा रहे हैं पिकनिक। पिकनिक? इतना बजट कहाँ से आ गया मैम हमारे स्कूल का? अबे तो चुप रहा कर। तो मैम हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा तो हम जा रहे हैं वाटर पार्क। क्या होगा इन बच्चों का, प्लीज मेरी जॉब बचा ले और पीटी सर से मेरी सेटिंग करा दे।